नमस्कार, भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। अगर आप मांसाहारी भोजन करते हैं तो कृपया कर सतर्क रहिए और बना बना हुआ मांस न होटल में खाइए और न रेस्टोरेंट में, क्योंकि शिकायत काफी आ गई है। हाँ, फिश खा सकते हैं, फिश में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है और अपनी पैनी दृष्टि डाल करके उस चीज़ों का आप भोजन कीजिए, क्योंकि आज विज्ञान या साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप जो खा रहे हैं वो कौन से डाई में किस तरह का बना है। बिल्कुल हूबहू आपको लगेगा कि फिश बना हुआ है और आप खा लेंगे, तो उसमें सतर्क रहने की जरूरत है। और मसाला इस तरह का डाला जाता है कि बिल्कुल आपको लगेगा कि वही चीज़ है और आप समझ नहीं पाएंगे। चूँकि अभी आपको एक सनसनीखेज मैं बता देती हूँ, ये है तमिलनाडु के रामेश्वरम का। वहाँ पे ये सके घेरे में, चूँकि वहाँ पे जो बेच रहे थे वो लोग मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, ये मटन बिरयानी और चिकन बिरयानी नहीं था, ये था कौवा बिरयानी। कौवा वो जो पक्षी ऊपर में उड़ता है, तो कौवा को मार मार करके वो लोग बिरयानी के रूप में वहाँ बनाते थे। चूँकि सस्ता होता था, उनको पैसे लगते नहीं थे, ऊपर में पक्षी उड़ रहा है, जहरीला चावल दे दीजिए, नीचे वो लालच में आएंगे खाने के लिए और उसके बाद वो खाएंगे, वहीं मर जाएंगे और मरने के बाद उसको हम ले जाएंगे और ले जा करके उसको वो लोग बिरयानी बना बना करके बेचते थे। ये रेट कब पड़ा? शक के आधार पे, चूँकि वहाँ कुछ श्रद्धालु जाते हैं, श्रद्धालु ने देखा कि कुछ कौवे मरे हुए हैं, वो जाकर के पुलिस को रिपोर्ट दी। आज हमारी दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, अगर कुछ होता है तो पुलिस का वो सहारा लेते हैं, चूँकि चौकी पास पास में होता है, तो जा करके और उन्होंने इस तरह का कंप्लेन लिखवाया कि आखिर वहाँ पे कौवे मरे हुए क्यों रहते हैं, दाना भी छिड़का रहता है। उस शक के आधार पर पुलिस वहाँ पे आई, देखी बाकी कौवे मरे हुए थे और इस शक के आधार पर उसने रेट डाला। चूँकि जो श्रद्धालु थे वहाँ गए हुए थे बाहर से, चूँकि सारे लोगों का ब्रेन जो होता है वो कहीं ना कहीं कुछ सोचता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, वैसा हुआ तो क्यों हुआ। तो फिर इसमें जब रेट पड़ा तो 150 कौवे मरे हुए वहाँ से, उसके अंदर से, होटल के अंदर से ये निकला गया। चूँकि एक छोटा गैंग नहीं था कि 4 कौवे 5 कौवे को मार करके छोटे से स्तर पे, ये बड़े से स्तर पे ये कौवा मारने की योजना थी कि मारो और एक जगह स्टॉक करके रखो और आराम से उसमें छोटे छोटे स्टॉल लगा करके उससे भी पैसा कमाया जाए, बड़े बड़े लगा करके भी कमाया जाए। तो इस तरह की चीज़ें अभी आई हैं, तो आप न जाने क्या खा रहे हैं और कि आपके अंदर क्या जा रहा है, इस पे सतर्क रहने की आज ज़रूरत है। तो बना हुआ कृपया करके मांसाहारी भोजन खाने वाले से रिक्वेस्ट है कि बना बना हुआ मांस बाहर का नहीं खाइए। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में कुछ साल पहले, 2018 की बात कर रही हूँ, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में रेड पड़ा और रेड पड़ने के बाद अंदर से बिल्ली निकली, मरी हुई बिल्ली, मरा हुआ आपको कुत्ता और मरा हुआ चूहा, इस तरह की चीज़ें लोग लेते हैं। और गाय की मांस तो लोग खाते हैं ऐसे ही, वो भी आप जान रहे हैं कि वो लोग फेट फाट करके देते हैं और लोग खा लेते हैं, तो वो तो खैर हटा दीजिए मामला। लेकिन इन दिनों अंदर पता नहीं चलता तो रेड हुआ, रेड से ये सब निकला। कुछ जगहों पे लोग खाएं तो नाखून कल की भी शिकायत, आज से 20 साल पहले भी आपने सुना होगा कि नाखून जब आया कस्टमर के थाली में तो वो सोचा कि अरे ये नाखून कहाँ से, तो उस तरह फिर उसमें रेट पर आया तो अंदर बहुत कुछ पाया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है और रेट होता है, तो इसमें हम लोग को तहकीकात करना चाहिए और हम लोग को सतर्क रहना चाहिए। तो वो महिलाओं ने तो किया ऐसा काम, हम लोग को भी करना चाहिए। कहीं भी अगर शक का घेरा हो तो जा करके पुलिस तक इस बात को कीजिए, चूँकि सरकार अगर, चूँकि नियम के विरुद्ध है पक्षी को मारना, कौवे को मारना, बहुत जगह कबूतर को लोग मार लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में, चूँकि जो मनुष्य है वो राक्षसी भोजन करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं एक चोली किया है, मांसाहारी भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। इसीलिए तो लोगों की आयु भी घट रही है और इतना जो आप देख रहे हैं पड़ले आ रहा है, क्या आ रहा है, राक्षसी भोजन खाने से आ रहा है। आदमी को सात्विक होना चाहिए, अगर भोजन सात्विक करेंगे तो हमारी विचारधारा जो है अंदर की प्रवृत्ति भी शांतिपूर्वक रहेगा, गंगा की तरह पवित्र रहेगा और बहता हुआ चला जाएगा शांतिपूर्वक। लेकिन लोग राक्षसी भोजन करते हैं तो उनका दिमाग भी गर्म होता है और राक्षस की प्रवृत्ति आती है, जो इतना घटना दुर्घटना आप आए दिन देख रहे हैं, तो ये तो खाना नहीं चाहिए। लेकिन जो लोग खाते हैं उनसे जल्दी छूटेगा भी नहीं, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है कि आप उसकी जगह कोई दूसरी चीज तो नहीं खा रहे हैं। तो खैर फिलहाल वो दो लोगों को तो गिरफ्तार किया गया है, आगे देखिए उन पर कार्रवाई होगी और अंदर से 150 कौवे निकाले गए हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जो अभी कोरोना वायरस के विषय में आपने
सुना है, ये चाइना से होता हुआ और न जाने पूरे देश में, यानी कि सिर्फ हमारे भारतवर्ष में नहीं, बहुत सारे करीब 6-7 देशों में ये फैल चुका है और लोग इससे मतलब इतना मतलब बचाव कर रहे हैं, फिर भी ये बचाव लाइलाज बन रहा है चाइना के लिए। और चाइना ने अभी 4 दिन में, यानी पिछले 4 दिन में, अब तो बन के खराब ही हो गया होगा, तो मैं आपको फिर उसको दिखाऊंगी, 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में चाइना था आज से 4-5 दिन पहले की बात। और उसमें इसलिए कि आखिर ये है क्या, वहाँ के साइंटिस्ट ये खोज रहे हैं कि ये वायरस, तो उसमें क्या है चमगादड़। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि चमगादड़ इंडिया में, इंडिया के बहुत सारे घरों में इस तरह की चीज़ें होती है कि चमगादड़ जब उड़ता है घर के अंदर चला जाता है तो उसको हम लोग अच्छा नहीं मानते हैं, और उसको निकालने के बाद घर को धो करके गंगा जल उसमें डाल करके, या मुस्लिम परिवार या फिर जो भी होंगे वो कुछ और डालते होंगे, इस तरह डाल करके हम लोग शुद्धिकरण करते हैं। और शुद्धिकरण करके, लेकिन चाइना में क्या होता है ना कि उस चमगादड़ का सूप बनाया जाता है और लोग टेस्ट ले लेकर के उस सूप को पीते हैं और उसके मांस को खाते हैं, यानी कि उसको मांस को फ्राई करके भी वो लोग खाते हैं। तो इस तरह का वायरस आया है, तो उधर से वायरस आया है और चमगादड़ को खाने से वायरस आया। तो मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि मांस वो कि मुर्गी खाते हैं या मीट खाते हैं या जो भी आप खाते हैं मार्केट में, या फिर मछली खाते हैं, तो फिर आप उसमें देखिए तो सही उसको कौन सा बीमारी है। अगर मनुष्य को कोई बीमारी होता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मरे हुए चीज़ों को किस पॉइजन से उसको मारता है और उसके बाद आपको वो चीज़ परोसता है, इस चीज़ों पे तो गौर करना होगा ना, और कोशिश करना चाहिए कि धीरे 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 ये खाना नहीं खाकर, बहुत फल फूल है उसको खाना चाहिए, फल खाइए, दूध पीजिए, दुरुस्त रहिए, बुलंद रहिए, और राक्षसी भोजन को हटाइए और सात्विक बनिए। और चूंकि भारत में हर लोगों को सात्विक बनना चाहिए ताकि हमारा भारत आगे बढ़े, क्या जरूरत है, कौन सी चीज़ें हैं, आज तो बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं भारतवर्ष से राक्षसी भोजन और ये फॉरन में लोग खा रहे हैं। लेकिन अभी एक बहुत सारे प्रोजेक्ट आई हैं जिसमें लोग ये सब धरले से बेच रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये सब अच्छी बातें नहीं है। हाँ, सरकार नियम बनाती है तो हमको और आपको भी ये फर्ज होता है कि ये नहीं कि सरकार जो नियम बनाए अब सरकार का काम है, नहीं, सरकार तक इस संदेश को, इस मैसेज को पहुंचाना हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम भी उसमें निगरानी ब्यूरो की तरह सतर्क रहें और अगर जहां भी कुछ ऐसा देखते हैं तो वहां तक जाकर के मैसेज तो दें, जो सरकार की चौकी, पुलिस चौकी बनी हुई है वहां पे हम लोगों को जाके शिकायत दर्ज करना चाहिए सर के आधार पे, और उनको हम कदम से कदम बढ़ा करके हम आगे बढ़ें, अपने भारत को आगे बढ़ाएं, और हमारी जो भारत की टीम है जो हमारी सुरक्षा के लिए बैठे हैं वहाँ पे, उनके लिए भी हम काम करें और उनको भी उस चीज़ों में हम सहायता और सहयोग करें। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, तो सतर्क रहिए और आपके जो जान पहचान वाले हैं उनको भी कृपया कर ये संदेश दीजिए, क्योंकि हर लोग ये समाचार देखे नहीं होंगे। धन्यवाद।